कोरोना महामारी के दौर में गरीबों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत अब तक 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी राहत पैकेज का ही एक घटक है और इसके माध्यम से देश की करोड़ों गृहिणियों को गैस सिलेंडर भरवाने की राशि दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लाखों परिवारों को इसका लाभ मिला है। चंबा जिले में 4,300 से अधिक महिलाओं के खाते में रसोई गैस सिलेंडर भरवाने की राशि डाली गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा हम गृहिणी को दिया है, उससे हम अपना परिवार चला रहे हैं। हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुझे मिले सिलेंडर, फ्री का सिलेंडर मिला है ना। मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने हमें उज्ज्वला योजना के द्वारा ये गैस सिलेंडर फ्री का जो दिया है, मैं उनका सच्चे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उधर सिरमौर जिले की महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना के तहत राशि पहुंचाई गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उन्होंने हमें सिलेंडर दिए इस बीमारी के बीच, हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो सिलेंडर दिया था वो हमारे बहुत काम आ रहा है और हम प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर तो ये हमारे बैंक में 781 रुपये आए हैं, तो इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिरमौर व चंबा देश के पिछड़े जिलों की सूची में शुमार है और यहाँ के हजारों लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वरदान साबित हुआ है। DD News के लिए चंबा से विकास ठाकुर और नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।